हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग गाइस। तो गाइस, एक बार फिर से मार्केट जाने की सलाह है और मौसम है जबरदस्त, बहुत गर्मी, धूप, लेकिन क्या करूँ, काम अर्जेंट है इसलिए जाना पड़ेगा, वरना मेरा मन बिल्कुल नहीं है जाने का। अभी मैं तैयार तो हो गई हूँ, मैं सोच रही हूँ चीनू को साथ ले जाऊँ। तो चीनू को मैंने बोला है कि चीनू चल, चीनू ने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं जा रही, तो मैं उसको अंदर बोल के आई हूँ, चल पड़ते हैं। गाइस ये देखो पीकॉक, और ऐसा भी लग रहा है कि बारिश आएगी। जो मैंने यहाँ पे नाली बनवाई थी वो सही हो गई है, सूख के, और अभी साफ सुथरा है यहाँ पे। और भाई हमारे इस वाले प्लॉट में भी देखो कितना पानी भरा है, और ये देखो गिलहरी 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 गिलहरी, भाग गई, बहुत गिलहरी है भाई इस पेड़ पे, बहुत। इसको मैं सोच रही हूँ इसको भी साफ करके इसमें सब्जियां उगवा दूं और सही हो जाएगा। इसको भी साफ करवाते हैं अभी थोड़े दिन में, अभी तो बारिश का मौसम है, थोड़ा सही हो जाएगा ना, फिर करवाऊंगी इसको साफ। तो गाइस ये रोटी पैक कर रही हूँ मैं सिब्बू के लिए, सिब्बू और स्वाति दोनों वहीं हैं, वो खा लेंगी। रचित घर पे आया हुआ है, रचित तो खाना खा रहा है अभी, और मैं ये पैक कर दूँ, पूछ लूँ उससे खाना कैसा बना। कैसा लगा भैया खाना? सही लगा, आज तो बहुत वैरायटी हो गई। बस मैंने ये चटनी अभी तक ट्राई नहीं करी, एक तो आखिरी का इससे खा लेता हूँ। रोटी और ले लेना फिर, ना पेट भर गया। टेस्टी है, अगर तू चटनी भी खाता ना तो सब्जी चाहे ना भी खाता, चटनी भी इतनी स्वाद है। हाँ पर मैंने सब्जी खा ली, चटनी अभी याद आई तो लास्ट टू इससे खा लेता हूँ। कैसी है? सही। तेरे को एक चीज दिखाऊं अब? सबसे बेकार था क्या लगा? क्या? ब्रोकली। ये तेरे को पसंद नहीं ब्रोकली? ये ऐसी लगती है, खा पता है मेरे को, मैं खा लेता हूँ, पर ऐसे खाने के साथ अजीब लग रही है। खाली ब्रोकली खाओ ना, जब रोटी ना खा रहे हो तो सही लगती है। हाँ। रोटी के साथ अजीब सा टेस्ट हो जाता है। बाद में खा लियो, रोटी खा ले पहले, बाद में खा लियो ब्रोकली, पेट भर गया मेरा तो। अच्छा एक चीज दिखाऊं तेरे को अब मैं? क्या? अपने खेत की भिंडिया। हाँ बहुत बड़ी है, इतना बड़ा साइज मैंने आज तक नहीं देखा। पक रही होगी, देख कितनी बड़ी पक रही होगी। ये पकी हुई है पर कितनी बड़ी है। तो जो छोटी होती है वो भी इतनी, मतलब जो कच्ची होती है वो भी इतनी बड़ी है? नहीं मतलब पक्के बड़ी हुई है, पता नहीं पक्के बड़ी हुई है या वो लोग छोटी तोड़ते हैं, बहुत बड़ी है। तो गाइस फाइनली अब हम बनाएंगे अपने लड्डू। ये घी डाल दिया कढ़ाई में, और अब इसमें मखाने थोड़े से भून लेंगे। ये खजूर है, अभी मैं इसके बीज निकाल दूंगी। अखरोट, काजू थोड़े कम है क्योंकि मम्मी को कम पसंद है काजू। बादाम, पिस्ता, किशमिश, और गोला कसना है मम्मा। तो गाइस ये सब डलेगा हमारे लड्डू में, और ओट्स भी डलेंगे। ओट्स, वो ओट्स जो है वो अलग से कर, बिल्कुल अकेले। हाँ इसके बाद ओट्स कर लेगा, ठीक है। तो गाइस अब इसमें डाल लेंगे मुरमुरे। मुरमुरे में घी नहीं डालेंगे, मुरमुरे को हम प्लेन ही करेंगे बस। तो गाइस अब ये डालेंगे इसमें ओट्स, थोड़ा घी डाल दिया है। कैसे बनेंगे मम्मा? अच्छे बनेंगे, देखते हैं। फर्स्ट टाइम ऐसे कुछ लड्डू बन रहे, नहीं तो गूंद तिल ये सब लड्डू बनते थे, और उसके चने के भी तो बनाती थी मैं। हाँ, ये फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, ऐसे फर्स्ट टाइम बन रहे हैं, वो भी गर्मी में। सर्दियों में खाते थे, गर्मियों में सर्दियाँ शुरू हो जाती जन्माष्टमी से, पता है। ये तो है, मैं तो उस हिसाब से बना रही हूँ कि सर्दियाँ शुरू हो गई। वो बस कहने में है, लेकिन है बहुत गर्मी अभी भी। क्यों है? प्रकृति से जुड़ो, क्यों है गर्मी? हम तो जुड़े हैं, सबको जुड़ना चाहिए। हाँ प्रकृति से जितना जुड़ोगे उतना सुख में जीवन हो जाएगा,
तो सब कुछ छोड़ के फालतू की चीजें प्रकृति से जुड़ जाओ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो गाइज अभी मैंने ये सब डाल दिया इसमें और अभी इसको करेंगे हल्का सा फ्राई। और गाइज अभी मैं इसमें ये खजूर और किशमिश डाल देती हूँ। अभी इसको मिक्सी में डाल के पीस लेते हैं। ये देखो ये बिल्कुल पीस के बहुत ही अच्छा हो गया, बारीक बिल्कुल। तो गाइस ये सारा मटेरियल एक साथ हो गया इकट्ठा, पीस के भून के सब कुछ इकट्ठा डाल दिया है। और भाई अच्छे से हाथ धो लिए मम्मी ने, क्योंकि उसमें हाथों से ही लड्डू बनेंगे ना, हाथों से ही लड्डू बनते हैं, चम्मच वगैरह से नहीं बनते। तो इसलिए मम्मी ने अच्छे से हाथ भी धो लिए हैं। तो सब अच्छे से हाथ धो लेना, उसके बाद ही बनाना। तो गाइस ये मिक्सचर मैंने पूरा मिक्स कर दिया है अच्छे से, और इसमें ना घी बहुत सारा डाला है और अभी भी इसमें बहुत सारे घी की ज़रूरत है। लेकिन मेरा मानना ये है कि इसमें बहुत सारा घी ना डाल के, मतलब एक नॉर्मल घी आप डालो, अगर ज़्यादा डालोगे तो फिर वो खा के पचाना भी पड़ेगा और काम किसी के पास इतना है नहीं पचाने के लिए। तो मैंने ये सोचा, ये बनाते बनाते मेरे दिमाग में ये चीज़ आई है, मैंने चीनू को भी बताया है कि हम इसके लड्डू नहीं बनाएंगे, हम इसको ऐसे ही रखेंगे जैसे हम गूंद नहीं डालते हैं, तो हम इसको खुला रखेंगे ऐसे, और जिसको जितनी ज़रूरत है वो उतना अपना कटोरी में डाले और खाए। और इसका एक बेनिफिट और मुझे लगता है ऐसे छोड़ने पे कि हम इसको गर्म करके भी खा सकते हैं। वैसे अभी मौसम है नहीं गर्म करने का, पर अगर किसी का मन भी करे तो हल्का सा निवाया करके हम इसको खा सकते हैं। और रीज़न ये है असल में कि मेरे को ज़्यादा घी नहीं डालना, क्योंकि ज़्यादा घी अगर मैं डालूँगी तो ये बिल्कुल नहीं खाएंगे, तो इनको कम घी का पसंद है, इसीलिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ रही हूँ। और वैसे ये बहुत टेस्टी बना है, इसमें अलग से मैंने ना चीनी डाली कि ज़्यादा मीठा हो, बस उसी से मीठा हो गया, ये खजूर से और किशमिश से, उसी से ये अच्छे से मीठा हो गया है और बहुत टेस्टी है। ये मैंने थोड़ा सा चखाया, थोड़ा चीनी ने चखाया, तो अच्छा बना है। लेकिन इसको हम अभी नहीं खाएंगे, इसको अभी ठंडा होने देंगे क्योंकि अभी ये गर्म है। तो ये हमारा मिक्सचर बन के हो गया है तैयार। ये बहुत ही हेल्दी है, प्रोटीन, हाँ प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स सब है इसमें। तो ऐसा सब लोग अपना बना लेना, जिसको ज़्यादा घी पसंद है वो ज़्यादा घी डाल के लड्डू बना सकता है, जिसको कम घी पसंद है वो ऐसे खुला भी रख सकता है, और जिसको कोई और ड्राई फ्रूट पसंद है वो अपना वो ड्राई फ्रूट भी डाल सकता है। हाँ, तो मैंने इसमें जो डाला सब दिखाई दिया।